अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाना सीख रहे हैं ऑटोकैड के अंदर ये वाला डोर वाला डिजाइन, जिसको मैंने पहले से आपके लिए थोड़ा सा बना के रखा है, जिसमें स्केलिंग्स हैं, आप देख सकते हैं इसकी मेजरमेंट्स हैं, ये इसकी हाइट वेट सारी चीजें बनाएंगे। अब मैं इसको उठा के यहाँ से मूव कर देता हूँ ताकि हम अपना अपना डिजाइन बनाए। तो यहाँ से मैंने मूव कमांड ली और मूव कमांड लेने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इस कॉर्नर से क्लिक करके इसको यहाँ पे मूव कर दिया। अब हम शुरू करते हैं अपना काम शुरू से। सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिट्स कमांड। यूनिट कमांड लिखने के बाद हम डेसिमल लेके 0.00 प्रोसेशन पर रखेंगे ताकि हम पॉइंट वाली वैल्यूज को रखें, और इंचेस को हमने सेट कर रखा है। ओके करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट्स कमांड, इसके बाद 0.0 और फिर हम यहाँ से पोजिशन 100 और 100 की ले लेते हैं ताकि रीजनरेट इतना पेपर हो जाए। अब लिख रेक्टेंगल कमांड लिखने के बाद 0.0 पहला कॉर्नर, अपर लेफ्ट कॉर्नर पे हमने यहाँ पे ले लिया जो कि इसकी विड्थ हमें कितनी रखनी है इंचेस में बताएंगे 48 इंच, और तकरीबन हाइट इसकी कितनी रखनी है 72 इंच, यानी कि 4 फिट और तकरीबन 6 फिट, यानी कि इसकी जो विड्थ है वो 4 फिट हो गई, 48 इंच और 72 इंच के हाइट हो गई। लीनियर कमांड से हम इसकी मेजरमेंट निकाल लेते हैं। क्लिक किया यहाँ पे, देखिए ऊपर इसकी जो है मेजरमेंट बता रहा है और ये इसकी साइड की मेजरमेंट्स आ गई। ये ऑफसेट कमांड ली हमने और यहाँ पे 6 इंच की डबल कोटेशन नहीं देना, 6 डायरेक्टली लिखा क्योंकि बाय डिफॉल्ट हुआ है, और ये 6 इंच का ऑफसेट हमने ले लिया। अब एक और रेक्टेंगल कमांड लिया हमने और इसके अंदर हमने कॉर्नर बताना है इसका 8x9 का, पॉजिटिव 9 लिखा है इसलिए ऊपर की तरफ बन गया, इसको -9 करके लिखेंगे तो ये नीचे की तरफ बनेगा। 8 लिखेंगे पॉजिटिव में x पोजीशन और y पोजीशन -9 लिखी, यस ले लिया। अब हम यूज करेंगे मूव कमांड। और सेलेक्ट करेंगे इस ऑब्जेक्ट को और 4 इंच की थी हमने यहाँ से ले ली और दोबारा से मूव कमांड यूज करके 4 इंच की हमने यहाँ से ले ली। अब हम यूज करेंगे एक और कमांड जिससे पूरा वर्क कर जाए, एरे कमांड। यहां से हमने ली एरे कमांड, सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, इसको क्लिक करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे और यहां से हमें बताना है रोज और कॉलम की तादाद। रोज हमने 5 बताना है जबकि कॉलम्स को हमें 3 बताना है, ठीक है। इसके अलावा रो ऑफसेट हमने यहाँ पे -11 पे बता रखा है जबकि कॉलम ऑफसेट हमने 10 पर बता रखा है। जैसे ओके करेंगे तो ये आपके सामने बिल्कुल इक्वल स्पेस से क्रिएट हो जाएंगे, जिनका लेफ्ट एंड राइट टॉप एंड बॉटम स्पेस 4 इंच है तकरीबन और इनकी विड्थ का गैप जो है वो 2 इंच है। ये क्रिएट हो गया हमारे पास एक डोर का डिजाइन। अब इसकी आप मेजरमेंट्स वगैरह भले इधर कर लें, यहाँ पे हम इसकी एक लॉक बनाते हैं 3 इंच और 6 इंच का गैप था क्योंकि मॉडल करके इसका 472 का हाफ कर लिया हमने 36। जैसे क्लिक करेंगे एंटर करेंगे तो ये हमें यहाँ पे एक लाइन का कॉर्नर मिल जाएगा। एंटर करने पे यहाँ से अब लेंगे हम सर्कल कमांड और सर्कल कमांड लेके हम क्लिक करेंगे, सर्कल का रेडियस रखेंगे 1.6 एंटर करेंगे, ये देखिए सर्कल बन गया। अब इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर देंगे, ऊपर से भी डिलीट कर देंगे, ये टुकड़ा थोड़ा सा ठीक है। ये डोर का डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब आप इसकी मेजरमेंट बिल्कुल इसी तरह कर लें जैसे कि मैंने ये बने हुए डोर में मैंने कर रखी है मेजरमेंट्स बकायदा इस तरह से। मेजरमेंट करने के लिए आपने जो हाईलाइट करना है या क्लिक करना है उसको क्लिक करना है, कलर्स को एक एक करके येलो कर लें और इनकी जो फॉन्ट साइज है जो इसकी सेट करना है तो इनको क्लिक करके बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपके बराबर में रखा है यहाँ क्लिक करें, क्योंकि मेजरमेंट के बगैर जब भी आप कोई अपडेट बनाएंगे तो वे माइनस से लगता है। यहाँ क्लिक करेंगे डबल क्लिक करके, उसके बाद हम जब टेक्स्ट में आएंगे ये देखिए यहाँ से हम उसको सेट कर लेते हैं 2 पर, अप्लाई कर देते हैं और अब इसके जो प्राइमरी यूनिट्स है जो पॉइंट के बाद वाली 0.0 वाली वैल्यूज उनको भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं ये प्राइमरी यूनिट्स में आके। और यहाँ से हमने प्रिसिशन को यहाँ से 0.00 पर सेट कर लिया ताकि पॉइंट के बाद 2 ही हमें डिजिट्स नजर आए। ये इस तरह से आपने बाकी सारी मेजरमेंट्स भी करनी है। तो अब लेंगे रेडियस कमांड और यानी सर्कल पे क्लिक किया उसका एक रेडियस है सब निकाल के निकाल लिया और इसको भी इसी तरीके से हाइड कर हाईलाइट करना है। टेक्स्ट में जाएंगे यहाँ से इसकी जो हाइट है वो 2 पर सेट कर लेते और फिर कोई प्रिसिशन वैल्यूज में जाके प्रिसिशन को 0.00 पर सेट कर दें, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया और अब ये बनाइए और फिर मुझे इसे सेट